बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फूड्स कुकिंग इन इजी वे। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली, और मछली बनाने के लिए 700 ग्राम मैंने मछली ली है। और सबसे पहले इसको अच्छी तरह से धो लिया है। मछली धोने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसको सिरका और नमक लगा के 10-15 मिनट के लिए रख दें, और उसके बाद अच्छी तरह से धो लें। और मछली को मैंने अच्छी तरह से धो के छन्नी में रखा हुआ है ताकि पानी वगैरह इसका सारा ड्रेन हो जाए। और बाकी मसाला इसका लिया है, फ़िश मसाला मैंने लिया है। घर के मसाले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मेरे पास पैकेट का मसाला पड़ा हुआ था तो वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा ली है इमली, इमली को भिगो दिया है, और इसका पल्प अलग कर देंगे और सीड्स अलग कर देंगे। और जो पल्प होगा उसी में मसाला डाल के तो मछली को मसाला लगाएंगे। मछली को मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो सके। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल चाहिए होगा। फिश मसाला बाउल में डाल देते हैं, और अब जो इमली भिगोई है उसका पल्प निकाल लेते हैं, सीड्स अलग कर लेंगे। इमली का पल्प भी शामिल कर देते हैं मसाले में। और अब इसमें मछली जिसको मसाला लगाना है बीच में डाल देते हैं। मछली के बेशुमार फ़ायदे हैं, ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत को कम करती है हमारे जिस्म से, बल्कि हमारे जिस्म और दिमाग के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इससे हाफसा तेज़ होता है, और दिमाग के लिए तो बेहद फ़ायदेमंद है, और जिस्म को ताकत और कुव्वत देती है। कहा जाता है कि रोज़ाना मछली खाने से डिप्रेशन की बीमारी ख़त्म हो जाती है, डिप्रेशन नहीं होने देती। अच्छी तरह हमने इसे मसाले में भिगो देना है ताकि सही तरह जज्ब हो जाए। और अब इसे मैरिनेट कर लेंगे, और उसके बाद ओवन में बनाएंगे मछली। मसाले में लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने लीमू और सिरका लगा के पहले ही इसको भिगोया धोने के लिए इस्तेमाल किया था 10-15 मिनट के लिए, तो इसलिए अब मैं लीमू इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इमली का पानी इस्तेमाल किया है। ज़्यादा अगर खट्टा पसंद। मछली को मसाला लगाए तकरीबन 2 घंटे हो गए, तो ऊपर से 4 टेबलस्पून में ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल में हमने इसे नहीं फ्राई करना, ओवन में बनाना है। पैंस को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इसमें आप फिश डाल देते हैं ओवन में रखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों पैन्स में हम फिश डाल देते हैं। और आप फिश को ओवन में बेक कर लेंगे। फिश ओवन में तैयार हो गई है, और बहुत अच्छी तैयार हुई है 20 मिनट में।
200 सेल्सियस पे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनी है फ़िश। तो फ़िश की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।